आज सूप गड़ी आवी अने देश में आनंद उल्लास थई गयो। रामलल्लाना भव्य मंदिरनुं भूमिपूजन थयुं। आज खूब ज मोटा गौरवनी वात छे के भारत में राम राज्यनी स्थापना थई होय तेवी लागणी अनुभवी रह्या छे। अयोध्या तो राममय थयुं पण हिंदू राष्ट्र भारत राममय थई गयुं हतुं तेवुं कहेवामां जराय अतिशयोक्ति नथी। देश में वसता होय के विदेश में वसता हिंदुओं माटे आजे खूब मोटा गौरवनी बात है कि भारत में राम राज्यनी स्थापना थई होय तेवी लागणी अनुभवी रह्या छे। पीएम नरेन्द्र मोदीना हस्ते राम जन्मभूमि भूमिपूजन थयुं अने आधारशिला राखवामां आवी। भव्यातिभव्य राम मंदिर बनशे जे दुनियाना बेजोड़ राम मंदिर हशे, जेने लईने कालावड, जामजोधपुर तेमज जामनगर सहितना विविध राम मंदिरों उत्साहनो माहोल दिवाळीनी जेम कराय। भूमिपूजननी उजवणी 1992 कार सेवा करना कांतिभाईए कर्यो शंखनाद। राम मंदिरनो नवो इतिहास 5 ऑगस्ट 2020 दिवसे सुवर्ण अक्षरे लखायो छे। 1528 थी लईने 2020 सुधी एटले के 492 वर्ष सुधीमां इतिहासमां केटलाय परिवर्तन आव्या। तोफानो, शहीदी, राजनीति, आक्षेपों, प्रतिआक्षेपों, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अदालतों में दलील वगैरह अड़चणों पार करीने राम मंदिर मुद्दों आपसी समझूती साथे अने सुप्रीम कोर्टना चुकादाथी उकेलायो छे। 9 नवेम्बर 2019 रोज 5 जजोनी कायदाकीय बेंचे ऐतिहासिक चुकादो आप्यो हतो। राम मंदिर राम जन्मभूमिना स्थाने ज बनशे अने मस्जिद माटे अलग जमीन आपवा ठराव्युं। अयोध्या विवादनो केस देश में सौथी लांबो चालनारो केस है। करोड़ों हिंदुओना आराध्य देव भगवान श्री रामना जन्मस्थान पर आजे भव्य राम मंदिरनु निर्माण थवा जई रह्युं छे अने समग्र देशभर में राम जन्मभूमि पूजन कार्यक्रमनी उजवणी थई रही है। जामनगरना सुभाष शाक मार्केट पास विश्व हिंदू परिषद द्वारा फटाकड़ा फोड़ी उजवणी कराई। लोहाणास महाजनवाड़ी खाते पण राम मंदिरे कराई उजवणी अने बाला हनुमान खाते कारसेवकोनी उपस्थितिमां उजवणी करी हती। तेमज जामजोधपुरमां शहेरना तमाम मंदिरोमां जय श्री रामना नाद गूंजवानी साथे प्रभु श्री रामना भजन कीर्तनो करवामां आव्या हता। जामजोधपुरना कनेश्वर महादेव मंदिरे पण श्री राम जन्मभूमि शिलान्यास विधिने लईने उजवणी करवामां आवी हती, जेमां मिठाई वहेंची फटाकड़ा फोड़ी राम जन्मभूमिना शिलान्यास प्रसंगने વધાવવામાં આવ્યો હતો અને મંદિરમાં જય શ્રી રામના નાદ ગુંજ્યા હતા। તેમજ કાલાવડના ગ્રામીણ વિસ્તારમાં પણ ઉજવણી કરવામાં આવી। કાલાવડ તાલુકાના નવાગામમાં જાહેર માર્ગ પર ફટાકડા ફોડીને મીઠાઈ વહેંચી રામ જન્મભૂમિના પૂજનની ઉજવણી કરવામાં આવી। હર્ષલ ખંધેડિયા, ZSTV, જામનગર।